हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपको मालूम होना ही चाहिए या फिर होगा ही कि बीएड में बहुत सारे प्रोजेक्ट दी जाती है, बहुत सारे एक्टिविटी करवाई जाती है, चाहे वो इंटरनल एक्टिविटी हो या एक्सटर्नल एक्टिविटी हो। ये इसलिए करवाया जाता है ताकि कल अगर आप टीचर बने, ज्वाइन करें कहीं पर, तब आपके पास बहुत सारे स्किल आइडियाज हो और उसको ट्रांसफर कर सके बच्चों के बीच में। उन सारे एक्टिविटी या प्रोजेक्ट में जैसे कि आपको आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड भी आपका प्रोजेक्ट करवाया जाता है, एक्टिविटी करवाई जाती है, कंप्यूटर से रिलेटेड करवाया जाता है, आईसीटी पढ़ाई जाती है ताकि आप अपने टीचिंग एंड लर्निंग को इन्हेंस कर सकें, नए नए टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को जोड़ सके और अपने कंसेप्ट, अपने स्किल को और ज्यादा बच्चों के सामने अच्छे से प्रेजेंट कर सके। देन उसके बाद आपको एक्सटर्नल एक्टिविटी जैसे कि आपको टूर पर ले जाया जाता है, उस पर एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। फिर उसके बाद आपको कोई एक टॉपिक दे दी जाती है, उनका क्या इम्पैक्ट रहा सोसाइटी में, उस पर एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको रिपोर्ट कैसे तैयार करना है एक दो टॉपिक लेकर बताया था, जिसमें गीतांजलि और प्रेमचंद का था। आज हम बात करेंगे उसी में से एक पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है कंप्यूटर पर, उसको कैसे करना है उसको आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पीपीटी क्या होता है, कि उसमें आप एक प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है। टॉपिक का नाम आपका है, कुछ भी रहेगा, आपके कॉलेज डिसाइड करेगी टॉपिक क्या देनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर जो टॉपिक आपको दे रहा हूँ वो टॉपिक का नाम है रोल ऑफ आईसीटी इन करिकुलम या एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें कैसे, आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसको, इसका क्या रोल है हमारे करिकुलम या फिर एजुकेशन में, इस टॉपिक को देखेंगे कि पीपीटी प्रेजेंटेशन में कैसे तैयार करेंगे, ठीक है ना। पीपीटी तो पहले, सबसे पहले आपका पीपीटी, जैसे हम लोग रिपोर्ट पेज पर बनाते हैं तो उसको सीट ना कहकर पेज कहते थे, अब यहाँ पर हम जो प्रेजेंटेशन, ये डिजिटलाइजेशन मोड है तो इसको हम क्या कहेंगे, स्लाइड कहेंगे, पेज के प्लेस पर क्या कहेंगे, स्लाइड कहेंगे। तो फर्स्ट स्लाइड का जो यूज करेंगे हम अपने इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे कि आप जो भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो उसका लोगो आप डाल दो, उसके बाद अ पीपीटी फाइल सबमिटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन कर दो, उसके बाद आपका कॉलेज का नाम होना चाहिए, कॉलेज का लोगो, एंड नाउ देन यूनिवर्सिटी का नेम, सेशन, और उसके बाद जो बना रहा है स्टूडेंट, सबमिटेड बाय, उनका नाम, रोल नंबर, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर ऑफ कॉलेज, इतना फर्स्ट स्लाइड में आपको मेंशन करना है। स्लाइड का डिजाइन आप कर सकते हैं, पेज का जो डिजाइन होता है आप खुद से अपने अकॉर्डिंग जो अच्छा लगे आप स्लाइड का डिजाइन दे सकते हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए। सेकंड स्लाइड पर आते हैं, तो सेकंड स्लाइड में क्या करना है, रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन जो है इससे रिलेटेड एक बड़ा सा पिक्चर लेना है गूगल से, ठीक है। उसको क्या करना है, उठाकर यहाँ पिक्चर को ऐड कर देना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप गूगल पर पिक्चर लगे तो पीछे का बैकग्राउंड आ जाती है, तो उस बैकग्राउंड को हटाने के लिए आप रिमूव बैकग्राउंड करके एक ऐप होगा गूगल क्रोम पर, आप टाइप करोगे रिमूव बैकग्राउंड करके, उसको उस पिक्चर को वहां पर ड्रॉप डाउन कर दोगे तो पीछे का बैकग्राउंड हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट यानी पिक्चर रह जाएगी। तो उस पिक्चर को डाउनलोड करके यहाँ पर पिक कर, पुट कर दोगे, ठीक है। सेकंड स्लाइड में ये डाल देना ताकि आपका और भी पीपीटी अच्छा बन जाएगा। सेकंड, थर्ड स्लाइड में आप क्या करना है, कंटेंट डालना। आप जो पहले बना रहे हो वो क्या क्या कंटेंट है, तो पहला जो मैं आपको बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की इंपॉर्टेंसी क्या है डे टू डे लाइफ में। कंप्यूटर हमें बहुत ज्यादा वर्क में क्या करता है, हेल्प करता है, हमारे एक्यूरेसी लाती है काम में, स्पीड लाती है, काम को स्टोर करने में हेल्प करता है, लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक आप क्या कर सकते हैं कंप्यूटर में डाटा को सेव कर सकते हैं। देन आपको कंप्यूटर क्या करते हैं, इनहेंसिंग लाती है आपकी कोई भी वर्क को, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंप्यूटर का आप क्वालिटी इंपॉर्टेंसी डाल सकते हैं। इसके लिए मैंने आपका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाना और वहां सारा कुछ मैं दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो सेकंड आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी, आईसीटी का इंट्रोडक्शन देना है, यूनेस्को ने क्या कहा इसका डिफिनेशन में, उन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द आईसीटी, आईटीसी, आईसीटी क्या है, क्या आईसीटी आपका
लैपटॉप कंप्यूटर यही सब होता है? नहीं, द आईसीटी पहले जो था इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, तो जानकारियां ओल्ड आईसीटी और न्यू आईसीटी। ओल्ड आईसीटी में आप रेडियो डाल सकते होगा, टेलीविजन, मैगजीन, फोन। न्यू आईसीटी में, न्यू आईसीटी में क्या होगा, सैटेलाइट, सोशल मीडिया, नेट, वाईफाई, इन सारे टेक्नोलॉजी को हम न्यू आईसीटी में, रोबोट, ये सारे न्यू आईसीटी में, और स्मार्टफोन भी डाल सकते हैं न्यू आईसीटी में, ठीक है? क्योंकि आईक्यू के बेस पर उसका क्या होता है, वर्क हो रहा है आजकल, उसकी टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा डेवलप कर रहा है इस वजह से। देन नेचर ऑफ आईसीटी, आईसीटी का नेचर क्या है? जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जब भी स्पीड रहेगा, वर्सेटाइल रहेगा, मल्टीमीडिया रहेगा, ये सारा नेचर है उसका। उसकी स्पीड अगर अधिक रहेगा तो आप अच्छे से काम करोगे, आपके काम में एक्यूरेसी आएगी, स्पीड आएगी, एक टाइम में बहुत सारे काम करेंगे तब पर भी आपकी काफी ज्यादा काम, बहुत जल्दी एक समय में बहुत सारा काम आप कर सकते हैं। सेकेंड, इसका जो नेचर हो सकता है आपका, स्टोरेज कैपेसिटी लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबल रहती है, ज्यादा रहती है, ठीक है? जो आपका एरर के जो परसेंटेज होता है बहुत कम हो जाती है ना, इस वजह से ये काफी ज्यादा डिमांडेड होता है, आईसीटी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एजुकेशन के पर्पज से। देन इसका नेचर आपको मैं बता दूं कि अगर सही से अगर आईसीटी यूज नहीं करते हैं तो आप क्या हो सकता है, इसका मिसयूज भी किया जा, आपके डेटा के साथ मिसयूज किया जा सकता है, जैसे कि प्रोनोग्राफी हो सकता है, या आपके आपको डाटा का हैक किया जा सकता है, या फिर कह सकते हैं अनवांटेड कंटेंट आपके डिस्प्ले पर शो करने लगेगा, ये सब भी नेचर है इसका, ठीक है? तो ये सारे मैंने अपने पीडीएफ में डाल रखा, आप देख लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आपका नेचर ऑफ आईसीटी हो गया, एग्जाम्पल ऑफ वेरियस आईसीटी, एग्जाम्पल देकर हम आपको इसमें बताए हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे प्रोजेक्टर होगा, मोबाइल होगा, ठीक है? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे रखा है। फिर उसके बाद आपका इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी, आईसीटी का इम्पैक्ट क्या रहा है एजुकेशन पर, है ना, कैसे वो हमारे एजुकेशन को इनहेंस करता है, इन सारे चीजों को मैंने इसमें पीडीएफ में बनाकर इसमें दे रखा है। फिर बेनिफिट, बेनिफिट ऑफ आईसीटी, बेनिफिट कैसे, किसको बेनिफिट किया होता है, तो पहला बेनिफिट स्टूडेंट का होगा, वो इजी वे में घर बैठे जैसे भी आसानी से नॉलेज को गेन कर सकते हैं, कहीं से भी वो पढ़ सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। दुनिया में भारत, इंडिया, अभी हाल फिलहाल में एक एग्जांपल, लॉकडाउन के वजह से बच्चों ने घर बैठे, स्कूल बंद थे, घर बैठे चीजों को गेन किया, नॉलेज को गेन किया। अगर वो टेक्नोलॉजी नहीं होती तो शायद ये जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद बच्चे की और भी ज्यादा हैम्पर्ड हो सकता था एजुकेशन, लेकिन उस हैम्परिंग को कम करने में हेल्प किया आईसीटी ने। तो इन सारे चीजों को, फिर उसकी बेनिफिट एजुकेशन मतलब स्टूडेंट का हो गया, उसके बाद टीचर को बेनिफिट किया जा सकता, बेनिफिट होता है अगर किसी डेटा को तुरंत शेयर करना है, अच्छे इमेज को टाई अप करके, कोलोबरेट करके प्रेजेंट करना है, नए कुछ कुछ बताना है एट ए टाइम, कुछ माइंड से स्किप कर गया, हमारा जो माइंड होता है ह्यूमन बींग्स का वो तो स्किप करना ही करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं होता है, वो आप तुरंत गूगल पर सर्च करेंगे और तुरंत बच्चों को साथ शेयर कर सकते हैं, आप एजुकेशन को और ज्यादा अट्रैक्टिव और इनहेंस कर सकते हैं। तो टीचर को बेनिफिट करेगा, उसके बाद पेरेंट्स को, पेरेंट्स को कैसे बेनिफिट करेगा, बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स टीचर के साथ तुरंत इंट्रैक्ट होना चाह रहे हैं, चीजों को समझना चाह रहे हैं, तो आईसीटी के तहत क्या हो सकता है, जैसे लाइक कंप्यूटर, मोबाइल फोन, या फिर और भी ऑडियो विजुअल गैजेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, टीचर्स के साथ बच्चे का पेरेंट्स आपका कंसल्ट कर सकते हैं, अपने वार्ड के बारे में जान सकते हैं कि उनकी वार्ड की परफॉर्मेंस कैसा है, चीजों को डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, ये सारे चीजों को इसमें बेनिफिट होगा, पेरेंट्स को भी बेनिफिट। तो पहला बेनिफिट स्टूडेंट, दूसरा बेनिफिट टीचर, तीसरा बेनिफिट पेरेंट्स फैमिली। चैलेंजिंग, बहुत सारे चैलेंजिंग है, ऐसा नहीं है कि आईसीटी आ जाने से सभी, अभी जैसे लॉकडाउन में एग्जांपल है कि सारे लोग को ये फैसिलिटी नहीं मिल पाई है, रीजन ये रहा कि सब लोग इस सोर्स को पाने में, क्योंकि उसका जो चैलेंजिंग है, पहली तो फैसिलिटी, इंटरनेट फैसिलिटी लेस होने की वजह से डेटा ट्रांसफरिंग जो रेट है वो काफी कम था, फिर उसके बाद कॉस्टिंग की बात करते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की बात करते, रिसोर्सेज की बात करते,
बहुत सारे लोग के पास परचेजिंग पावर इतनी कम है को मोबाइल गैजेट को खरीद नहीं पाएंगे इस वजह से, और नेट कनेक्टिविटी बहुत स्लो है जिस वजह से डाटा सही से क्या हो सकता है रन नहीं कर सकता है, इस वजह से बहुत सारे चैलेंजिंग है, मैंने अपने पीडीएफ में मेंशन कर रखा है, आप ये कर लेंगे। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक का मतलब कमियां, कमियां में क्या हो सकता है कि अगर ज्यादा हम मोबाइल पर इंगेज रहते हैं, कंप्यूटर पर इंगेज रहते हैं, या फिर तो क्या हो सकता है हमारे लिए नुकसान कर सकता है, जैसे कि हमारे पेन, नेक पेन, बैक पेन हो सकता है, उसके बाद कंसंट्रेशन जो होती है क्लास में वो नहीं हो पाएगा, फिर उसके बाद हम जो स्लीप, जो 6 से 7 घंटा जो रिक्वायरमेंट है हमारे स्लीपिंग का वो नहीं हो पाएगा, हम लोग अपने और सही से स्टेबिलिटी नहीं ला पाएंगे, कंसिस्ट नहीं रह पाएंगे स्टडी के प्रति, और टाइम वेस्टिंग बहुत ज़्यादा होगा, ये सारे चीजें कमियां हैं अगर सही से इसका यूटिलाइज नहीं किया। आपका डाटा को हैक किया जा सकता है, आप बेवजह फालतू का नेट पर अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ज्यादा चैटिंग वगैरह करके, ये सब इसकी कमियां हैं, ड्रॉबैक। लेकिन कहा जाता है इसका सॉल्यूशन भी क्या है कि आप आज जो हो गया है कि ICT हमारा एक ब्लड लाइफ बन चुका है, कह सकते हैं कि विदाउट ICT वी कांट एक्सपेक्ट गुड लाइफ या गेन गुड फैसिलिटी। तो ICT के बिना, जैसे कि ब्लड जरूरी है सर्कुलेट करने के लिए, बॉडी को रन करने के लिए, वैसे ही ICT आपके लाइफ को रन करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए इसके जगह पर क्या कर सकते हैं, आप रिप्लेस कर सकते हैं, आप खत्म नहीं कर सकते हैं, बच्चों को इनहेंस कर सकते हैं, समझा सकते हैं कैसे। तो आप क्या कर सकते हैं कि ड्रॉबैक में कुछ कमियां को सुधारने के लिए आपको क्या करना होगा, ई लर्निंग पर फोकस करना होगा, ई कंटेंट, ई बुक, ई मैगजीन, इस तरीके से इस तरीके का फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड करनी होगी, ताकि बच्चे गेम में ज्यादा ना इंगेज रहकर वो पढ़ने में इंगेज रहे। चाहे पहले बुक लोग पढ़ते थे तो बुक, पहले ई लर्निंग नहीं था इस वजह से, अब तो किंडल्स वगैरह आ गया, तो किंडल्स पे बहुत सारे नोवेल्स, मैगजीन, ये सारी चीजें अवेलेबल होती है, बुक्स, स्टोरी बुक्स। तो इन सारे चीजों को बच्चों को मोटिवेट करना है, और गैजेट के थ्रू ही पढ़ाए, लेकिन पढ़ने का तरीका फॉर्म अलग होना चाहिए, ठीक है। कंक्लूजन, ओवरऑल ये सारा चीज का कंक्लूजन क्या होनी चाहिए वो मैंने में, और बिब्लियोग्राफी में कहां से कोई कौन सा कंटेंट, ये जो आपने जो रिपोर्ट तैयार किया, फाइल तैयार किया PPT में, तो ये कहां से आपने तैयार किया है, तो उसका आप डाल सकते हैं, जैसे विकिपीडिया हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, एंड देन आप जर्नल हो सकता है, रिसर्च पेपर हो सकता है, बहुत सारे चीजें। और लास्ट में जो आपका एक स्लाइड आएगा, उस स्लाइड में आप थैंक करके कोई मैसेज आप छोड़ सकते हैं, और मेड बाय अपना नाम लिख सकते हैं, रोल नंबर, बाकी आपका ये PPT प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे जो है आपका अलग अलग स्लाइड में आप क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, यानी 12-13-14 स्लाइड होगा जो भी हो, आप इसको अलग अलग स्लाइड में, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव आपकी प्रेजेंटेशन दिख सके। और उसके बाद क्या करना है, इस सारे जब कंटेंट आप बना ले, उसके बाद आप इसको ब्लैंक CD लाना है, CD या DVD लानी है, और उसमें किसी ऐप के थ्रू बर्न करना है, उसमें अपलोड कर देनी है डाटा को। आजकल के जो लैपटॉप है उसमें ये सारी फैसिलिटी नहीं आती है, तो आप साइबर में जाके किसी कंप्यूटर के थ्रू, जहां पर CD को लगाया जाता है, CD डालने की फैसिलिटी होती है CP में, वहां से आप बर्न कर सकते हैं। तो ये सारे चीजें आज का वीडियो यहीं तक था। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही अच्छा हो। हैव अ गुड डे। जय हिंद।